महोदय, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10। मैं जानना चाहती हूँ कि आप उठेंगे या नहीं उठेंगे। हाँ, तुम्हारी ड्राइंग तो दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। इधर देखो, बोलो पापा पापा जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। बज रहे सुबह के 8:10। मीरी का गई है नहाने, वीर सो रहा है, मेरी चाय रेडी है, मैं चाय पी लूँ फिर लगती हूँ आज काम पे। बहुत काम करने बाकी हैं, कपड़े धोने हैं, साथ में कंबल भी धोने हैं, बहुत सारा ऑल्ट्रेशन करना है, सब्जियाँ लानी हैं, दूध लाना है, सब कुछ करना है। तो पहले पी लेती हूँ मैं अपनी चाय। शायद वीरिका आ गई है नहा के। वीरा, अरे सोएगा और सो जाओ। ये रही सुबह की पहली चाय। सुबह की चाय के साथ आज की दो लाइनें। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। गुड मॉर्निंग, क्या खाओगी? कैसा? बस ब्रेड ब्रेड नहीं, कुछ भी नहीं? ठीक है, लाती हूँ। सॉरी, देखा नहीं मैंने। बाहर मैंने लगा दी है वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, और यहाँ मैं आई हूँ सब्जी बनाने। तो मेरे पास इनके अलावा कुछ है ही नहीं आज बनाने को। मैं तो खा लूँगी पर बच्चे नहीं खाएंगे, पर बनानी तो है ही। देखती हूँ कुछ ऐसे बनाती हूँ कि बच्चे भी खा लें। मैंने सोचा थोड़े से मटर मिक्स कर देती हूँ सब्जी में, और बैंगन थोड़े से कम कर देती हूँ। आलू आलू बैंगन मटर, और थोड़ी सी ग्रेवी में बना लेती हूँ, तो हो सकता है बच्चे खा ले। और रोटी की जगह पूड़ी बना लूंगी तो फिर तो डेफिनेटली खा ही लेंगे। और ये कौन से जमाने में मैं लाई थी स्वीट पोटैटो, तब से रखे ही हुए, बनाए ही नहीं है। आज इनका भी खात्मा कर दूंगी मैं। महोदय, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10। मैं जानना चाहती हूँ कि आप उठेंगे या नहीं उठेंगे। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? एल्सा जानना चाहती है आप उठेंगे कि नहीं उठेंगे, आप मीठा खाएंगे कि नहीं खाएंगे। खाऊंगा। आहा आहा, एल्सा खुश हुई कि ऐसा कम से कम आपने मीठे पे जवाब तो दिया। महोदय, कृपा करिए और उठिए। क्यों? महोदय, ये हमारी तरफ से विनती है, हम पे कृपा बरसाएं और आप उठें, 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 उठें। उठो बाबू, उठो 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 उठो, बहुत टाइम हो गया, चलो उठो, जल्दी उठो, इतना नहीं सोते। सब्जी मेरी बन गई, कपड़े मेरे धुल गए,
और टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये कंबल भी धो देती हूँ। ब्रिजेश है नहीं तो यूज़ करने वाला कोई अभी है नहीं, और हम तीनों का तो बड़े एक कंबल में काम हो जाता है, और धूप भी अच्छी खिली है, और ये वॉशिंग मशीन में भी धुल जाते हैं सबसे बड़ी बात, तो आज इनको भी सफाया कर देते हैं, नहीं इनका भी सफाया कर देते हैं। चलो बाय। अब ये रो रही है, वो चुप हुआ तो यार ये मेरे को पापा के साथ होना था। इधर देखो, देखो ये वो मौका तो ताने और तो अम्मा क्लास आई तो या तो ना ओग बेकू उधर एंजॉय मार बेकू मतलब क्लास मार बेकू। रोते नहीं है ना, थ्री इयर्स। इधर देखो, बोलो पापा पापा जल्दी आ जाओ आ जाएंगे पापा जल्दी आ जाएंगे। ये सड़े से तीन कंबल धोते धोते ना आज तो मैं ही पूरी तरीके से धुल गई हूँ सही में। इतना ज़्यादा पावर कट हुआ है ना, इतना ज़्यादा कि दिमाग ख़राब है। कब से लगी थी, दोपहर के एक बज गए हैं। अब जाऊँ ऊपर इनको डालने, बाहर के भी काम थे बट वो भी नहीं हो पाएंगे इसके चक्कर में। कोई नहीं, कंबल सुखा के फिर करूँगी ऑल्ट्रेशन, वही एक काम हो जाए आज बहुत है। कौन सी क्लास चल रही है सुनो ना, मैं थोड़ा 2 मिनट काम से जा रही हूँ, बैठ जाओगे तुम लोग? ये क्या है? वो तुम्हारी ड्राइंग तो दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। देखो पानी अमृत है, वो तो है, खैर बहुत अच्छा। काम ही ऐसा किया है एक्सीलेंट वाला, मस्त है, बढ़िया। चलो मैं होके आती हूँ, हाँ 15-20 मिनट संभाल लेना। मैं लगी हूँ यहाँ अपनी चाय बनाने, और वहाँ बच्चे मेरी कंप्लेन कर रहे हैं अपने पापा से। आओ तो वीरिका, आओ। नहीं इसमें कोई शर्माने वाली बात, क्या पूछा तुमने मुझसे अभी? पूछो पूछो, नो प्रॉब्लम, प्लीज पूछो पूछो, इट्स ओके, पूछो। क्या पूछा? अब मैं बताती हूँ क्या पूछा इसने। इसने पूछा, इसको कल से यहाँ पे दर्द हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्या लगा है इसको नहीं मालूम, ये मुझसे पूछ रही, मम्मी ये देख के आप बता सकती हो क्या कि मुझे क्या लगा है? अब आप बताइए, जिसको चोट चाहिए, दर्द कर रहा है, दर्द कर, छोड़ दे छोड़ दे, जिसको चोट लगी है उसको नहीं मालूम कि क्या लगा है? अच्छा तो मैं चोट देख के कैसे बताऊं कि तुमको क्या लगा है? हाँ डबोर याद करो तुमको क्या लगा है? है बहुत दर्द हो रहा है जी, सुबह से तुम 6 बार मुझे बोल चुकी हो मम्मी दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। मेरी गऊ है ये, गऊ गऊ। चलो हटो, उठू मैं, खाना बनाऊँ। क्या खाओगी? मैगी। मैगी खाओगी? मैगी डिनर में, मैगी। चलो भाई। अच्छा मैगी बन गई है, बच्चों ने बोला डिनर में मैगी खाएंगे, तो ले भाई खाएं। मैं तो नहीं खाऊंगी, मुझे कोई खास पसंद नहीं है, ले बेटा। हाँ थैंक यू मम्मा, लेकिन मम्मा इसका जवाब आपको पता है? व्हाट इज द डे ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द ईयर? 31st? नहीं वो 31st जो है वो डे क्या है उसमें?
ये अभी 21 का, 31 का फ्राइडे, मुझे याद है ना, क्योंकि पार्टी करनी है ना मुझे, पार्टी इसीलिए। वीर ले लो बेटा, पूरी खत्म करना। तो किससे खाते हैं? अंग्रेज की औलाद, फोक से खाएंगे। लो भाई फोक से खाओ। तो आज का दिन सुख शांति से निकल गया, मेरा तो एज इट इज हमेशा की तरह बिजी था, बट हाँ बच्चे काफ़ी मिस कर रहे हैं अपने पापा को। वीरिका तो 2-3 बार दुखी मन से बोली भी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको भी वहाँ होना चाहिए था, बट ठीक है अब नहीं है तो कोई बात नहीं। बट जो मुझे लग रहा था कि नहीं मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों शांत हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, बिजी हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में। हाँ ब्रिजेश वहाँ से कुछ फोटोज़ वगैरह भेज रहे हैं, तो खासकर वीरिका को लग रहा है कि अरे हमें भी वहाँ होना चाहिए था मम्मी, बाकी और कुछ नहीं है, हम चलेंगे छुट्टियों में चलेंगे, ठीक है। बट छुट्टियों में जाना और ऐसे किसी की शादी देखना, उसको इंजॉय करना, दोनों अलग चीज़ें होती हैं, पर चलो ठीक है। तो बस उसी के साथ करूँगी मैं आज का अपना व्लॉग, यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में, टिल देन बाय।